डबल इंजन की सरकार ने पूरे जी तोड़ कोशिश करी किसी भी तरह जो है मंगलौर विधानसभा को जीता जाए, लेकिन भारी मतों से जो है बद्रीनाथ विधानसभा हम जीत कर आए हैं। वहाँ की जो घटना हुई वो बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उसमें डबल इंजन की सरकार जो भाजपा सरकार है वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। वहाँ जनता ने ये साबित किया है कि दल बदलू लोगों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता, रुड़की मलकपुर चुंगी पर है और आपको बता दें यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश महामंत्री है सचिन गुप्ता, उनके ऑफिस पर यहाँ पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो मंगलौर में उपचुनाव हुआ उसकी जीत की खुशी और बद्रीनाथ में उपचुनाव हुआ उसकी जीत की खुशी यहाँ पर खुशी मनाई है और यहाँ पर आप काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। आइए जान लेते हैं क्या कहा। एक लोकतंत्र को बचाने का कार्य जो है कांग्रेस और माननीय जो हमारी जनता है, जो सम्मानित जनता है मंगलौर विधानसभा की और बद्रीनाथ विधानसभा की, उसने ये कार्य किया है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं मंगलौर विधानसभा की जनता को, साथ में जो है बद्रीनाथ विधानसभा की जनता को, कि उन्होंने इस लोकतंत्र को बचाने का कार्य किया और दोनों कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने का कार्य किया। आप देख सकते हैं शासन प्रशासन ने डबल इंजन की सरकार ने पूरे जी तोड़ कोशिश करी किसी भी तरह जो है मंगलौर विधानसभा को जीता जाए और भाजपा की झोली में डाला जाए, लेकिन वहाँ के लोगों का विश्वास काजी निजामुद्दीन जी की तरफ था, काजी निजामुद्दीन जी पे और कांग्रेस पार्टी पर था, इसी वजह से ये जीत मुमकिन हो पाई। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने उस वक्त कार्य करा 10 तारीख को और आपने दिखाया लोगों के ऊपर अत्याचार होते हुए। जीत का अंतर जो कम वोटों से रहा है उसमें प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। प्रशासन ने पूरी कोशिश करी थी कि काफ़ी वोट जो कांग्रेस की है वो गिन ना पाए, लेकिन फिर भी वो इस जीत को रोक नहीं पाए। लेकिन भारी मतों से जो है बद्रीनाथ विधानसभा हम जीत कर आए हैं। वहां की जनता ने ये साबित किया है कि दल बदलू लोगों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग भाजपा में रहते हैं वो निर्दोष नहीं हो सकते, अगर वो दूसरी पार्टियों में रहकर उनके ऊपर कोई कलंक है तो उनके ऊपर भी रहकर तब भी कलंक रहेगा जब वो भाजपा में सम्मिलित होंगे। बिल्कुल ये बात उठानी भी चाहिए, हम अपने सभी नेताओं से गुजारिश करेंगे, उनसे निवेदन भी करेंगे कि वो इसको जो है विधानसभा में ज़रूर उठाएं और वो वीडियोस जो आप लोगों ने बनाकर उस वक्त डाली है 10 तारीख की, वो ज़रूर वीडियोस दिखाई जाए और बताया जाए डबल इंजन की सरकार को, जो वो बार बार कहती है कि एक काला अध्याय था, कभी वो काला अध्याय करने में भाजपा हर रोज़ काम करती है और हमेशा जो है इलेक्शन को अपने पक्ष में करने के लिए जीतोड़ कोशिश करती है। की जो घटना हुई वो बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उसमें डबल इंजन की सरकार जो भाजपा सरकार है वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। वहाँ की जनता ने जो है काजी निजामुद्दीन जी को जिताकर अपना विश्वास जताकर रखा है। जीत है जो हमारे राहुल गांधी जी ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कमर कसी है उसे जनता पूरा समर्थन कर रही है। आपने मंगलौर चुनाव देख ही लिया किस तरह शासन और डबल इंजन की सरकार लाठी डंडों की जोर पर वो चुनाव जीतना चाहती है, वहाँ की जनता ने नकार दिया। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकता की जीत है, ये हमारे उत्तराखंड के नेताओं बड़े जो नेता हैं सबकी उनकी एकता की जीत है, जिससे जिस चुनाव में एकता दिखाई उन्होंने। और ये काजू निजामुद्दीन जी की जो कार्यकर्ताओं के लिए जो वोटरों के लिए अपना चुनाव छोड़ गए उनकी मदद के लिए लग रहे हैं, वो चुनाव भूल गए, ये उनकी हिम्मत की जीत है। आपके 2027 में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 2029 में हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनेगी।